तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अब ऐसी तकनीक डेवलप कर ली है जो कि पूरे डेनमार्क की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकती है। डेनमार्क वैसे तो अपनी पूरी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड अकेले विंड पावर से ही जनरेट कर लेता है 140%। इनके पास इतनी ज्यादा सरप्लस अमाउंट है, लेकिन ये प्रोड्यूस कर पाना एक्सपेंसिव है। भारतीय वैज्ञानिकों ने तो अब ऐसी नई टेक्निक डेवलप कर ली है जो कि सनलाइट और वाटर के यूज से ही अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये झूठी खबर है, लेकिन मैं आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ। पूरी तरह से इसमें साफ साफ मेंशन है कि हमने लार्ज स्केल रिएक्टर डेवलप कर लिया है फॉर कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग सनलाइट एंड वाटर। इसके जल्द ही छोटे छोटे वर्जन भी बनाए जाएंगे जो कि आम घरों में भी लगाए जा सकते हैं। 8 घंटे में ये 6 किलो से ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देता है। फिर इस हाइड्रोजन गैस का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी, घर के अप्लायंसेस, गैजेट्स, इनफैक्ट हाइड्रोजन स्टोव भी डेवलप किया जा रहा है। अगर हमारे वैज्ञानिक कामयाब हो जाते हैं ऐसे छोटे छोटे रिएक्टर डेवलप करने में और हर घरों में लग जाता है तो भारत दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रोजन बन पाएगा। यहाँ पर फिर हम हाइड्रोजन कार्स, हाइड्रोजन ट्रक्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, बसेस, काफी सारे ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से हाइड्रोजन पर रन कर सकते हैं, जिससे 0 पेट्रोल और डीजल का बिल आएगा हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। इस रेस में भारत अकेला नहीं है। भले ही भारत ने $2.3 बिलियन हाल ही में अप्रूव किए हैं टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन, लेकिन भारत को टक्कर देने के लिए 4 अमेरिकन कंपनीज भी उतरी हैं। कांटे की टक्कर यहां पर दी जा रही है। ये 4 कंपनी है न्यू स्केल पावर जो कि पोर्टलैंड की कंपनी है, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बना रहे हैं। फिर एक और इनकी कंपनी है एक्स एनर्जी, इसका हेडक्वार्टर आपको कोलोराडो में मिल जाएगा, ये भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तैयार कर रहे हैं। ओक्लो नाम की भी तीसरी कंपनी है, कैलिफोर्निया की ये कंपनी है जो माइक्रो रिएक्टर्स तैयार कर रही है। और चौथी कंपनी है नेट्रियम, ये वॉशिंगटन की कंपनी है जो कि सोडियम कूल्ड फास्ट रिएक्टर डेवलप कर रही है। इन सब में से भारत काफी अनोखा है, हमारे वैज्ञानिक काफी अनोखा सोचते हैं। हमारा ये फोकस नहीं रहता कि हम कितना जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, हमारा ये फोकस रहता है कि कैसे हम कॉस्ट इफेक्टिव ढंग से आम इंसान को भी बेनिफिट हो इसका, उस तरह की तर्ज की टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जहां एक तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज एक्सपेंसिव केमिकल्स का यूज कर रही है, तो वहीं हमारे भारतीय साइंटिस्ट ने अर्थ अबेंडेंट केमिकल कार्बन नाइट्रेट जो कि दुनिया भर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है उसका यूज करके हमने कैटलिस्ट तैयार किए हैं। इसके बाद हम यहीं पर नहीं रुके, हमने लो कॉस्ट ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स तैयार किए इन कार्बन नाइट्रेट्स, जो कि फिर से काफी चीपर प्रिकर्सर्स लाइक यूरिया और मेलामाइन से बने हुए हैं। भारतीय साइंटिस्ट की इसी बड़ी ताकत से और हमारे इनोवेटिव इंजीनियर्स रेट्रोफिट हाइड्रोजन किट तैयार करके ट्रक्स में लगाना शुरू कर दे तो भारत को एक मेजर सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने मिला है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में भी हमारे साइंटिस्ट के लिए जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।